हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंजन्स कैलरी। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल पोहा की रेसिपी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ और चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देती हूँ। जब तेल गर्म हो जाए तो उस वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब कटे हुए सब्जियों को एक एक करके मैं कढ़ाई में डालूंगी। मैंने यहाँ पे बीन्स, आलू और गाजर लिया है। आप अपनी मन पसंदीदा सब्जियों को भी जोड़ सकते हैं। अभी हम सभी सब्जियों को मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ी सी नमक भी डाल देती हूँ ताकि सब्जियाँ अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद हम ढक्कन लगाकर कुछ वक्त के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये सब्जियां पक जाएं तो हम कटे हुए प्याज, हरा मिर्च और टमाटर डालकर मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तेल के साथ सभी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि सब्जियां अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। अब हम सारे सब्जियों को उठाकर एक प्लेट में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म होने तक वेट करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें करी पत्ता, लाल मिर्च, राई, फ्राइड ग्राम्स और बादाम डालकर सॉटे करेंगे। अब हम अच्छी तरह से सॉट करेंगे ताकि तेल के साथ सब मिक्स हो जाए। अब उसी में हम पोहा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर उसमें हम 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे। वो कड़स डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त ये ध्यान रखें कि पोहा टूट न जाए। उसके बाद पके हुए सब्जियों को पोहा में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा स्वादिष्ट वेजिटेबल पोहा रेडी है। Thank you very much. Until my next video, guys, please stay safe and healthy.